हाँ भाई, इस पे डार्ट थी और द्वार था, पर द्वार की चूल करा करें और नहीं था तो वास्ट आउट पानी भर ले। चूल तो है नहीं इसमें, ये क्या है? ऊपर जाने के लिए नहीं, एक छोटा सा कक्ष है। बताओ ये फ्लैट क्यों होता है जी? यहाँ पे आइडिया क्यों नहीं है हाथी के लिए? हाँ, छोटी और बड़ी दोनों आरती है। कमल पुष्प तोरण बहुत ही सुंदर द्वार का निर्माण किया गया। इसके ऊपर जाने का मार्ग बंद कर रखा है। बंद है, खुला है? बंद है, परमानेंट बंद है। परमानेंट ले क्लोज। ये किसके अवशेष हैं? किसी मंदिर के, इसे बोल के चलो देखते हैं। एक बार देखो, ये है ना, ये प्राकृतिक दरारें होती हैं। इसको फाड़ने के लिए इनमें थोड़े थोड़े छेद करके और उनमें लकड़ी के कील ठोक दी जाती है, लकड़ी की, और उसमें पानी डाल देते हैं, वो फूल जाती है और पत्थर अपने आप ऐसे दो पार्ट में बट जाता है। कितने द्वार हम पार कर चुके हैं? तीन। एक और द्वार, और यहाँ पे ये देख, ये पता क्या है? पानी की निकासी के लिए। पानी की निकासी, पतलान जो बोलते हैं, और वो इसके अंदर से यहाँ पर। बैट्स की बहुत ही तीखी गंध। दूर तक सिट पड़ी हुई है बैट्स की। चलिए अंदर। अंदर चलोगे? बहुत ही गंद। और ऊपर देखिए, बैट्स ही बैट्स हजारों की संख्या में। यहाँ पर भी चलो।
किसी को सजा दे ना उस कमरे में छोड़ा और सीढ़ियाँ और यहाँ देखिए पत्थरों को कैसे जॉइंट किया जाता था। यहाँ पर देखिए ये दो पत्थर हैं, दोनों को लोहे के लॉक से स्टेबल कर दिया। उसके बाद ये दो पत्थर थे, इन पर यहाँ पर लॉक लग गया। केवल अवशेष ही बचे हैं और जो कुछ कक्ष बचे भी हैं तो वहाँ पर प्रवेश करना मुश्किल ही है, नामुमकिन तो नहीं है सर, क्योंकि बैट्स की बहुत ही तीखी गंध यह किसी इमारत के अवशेष शायद हाथी का मुख है। हाथी मुख ना मत फोन थोड़ा सा पीछे से लियो, ऊपर आना चाहिए ना, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, नीचे जो गुंबद है उस पर कमल पुष्प उल्टा और गिलहरी छोटी सी। सामने बुर्ज के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ कितनी है, 12 क्या पंखुड़ियाँ इसमें है तो 11 पंखुड़ियाँ। 11 ऐसा लग रहा है किसी कम प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा यह इस भवन का निर्माण किया गया है, तभी तो खंडित हो गया। इस दीवार के ऊपर चलना चाहोगे? ग्रंथों में ये लिखा है, वास्तु शिल्प के ग्रंथों में, कि जो मुख्य दीवार होती है ना उसकी चौड़ाई 9 फुट होनी चाहिए,
दुर्ग के पर्वतीय दुर्ग के उसकी प्राचीर की चौड़ाई, और ये कितनी है 36 इंच है। चलिए और उधर से भी बैट्स की गंध आ रही है। चलो यहाँ से चलते हैं। इसके ऊपर गुंबद का निर्माण किया गया था लेकिन खंडित, और सीढ़ियाँ। जो सामने ऊपर एक छोटा सा कक्ष है उसका निर्माण इस दुर्ग पर निगाह रखने के लिए किया गया था पता नहीं जी, परंतु जो क्योंकि उधर से दुर्ग की जो प्राचीर है वो भी दिखाई दे रही है। कथा यहाँ पर प्रचलित है ना इसके खंडित होने के पीछे, वो ये है कि वहाँ कोई अघोरी रहता था, उसने शाप दे दिया था तब ये खंडित हो गया था। तो वो अघोरी का निवास स्थान कुछ राजकुमारी का चक्कर था, मुझे ठीक से तो स्मरण नहीं है ये क्या चक्कर था। ऐसा हुआ था जी कि यहाँ की राजकुमारी थी कोई, अत्यंत सुंदर थी, और वह बाजार में घूम रही थी अपने दासियों के साथ हैं। तो तभी वहाँ पर जो अघोरी तांत्रिक था उसने उसको देख लिया और उस पर मोहित हो गया। अघोरी तो योगी होते हैं, तांत्रिक, और उसके बाद में उसको आकर्षित करने के लिए उसने एक इत्र को मंत्र से पढ़कर और उस राजकुमारी को सौंप दिया कि जैसे ही वो इत्र को अपने लगाएगी तो मोहित हो जाएगी, तो मोहित हो जाएगी उस तांत्रिक के पीछे। परंतु तो किसने लगा लिया होगा, उस लड़की ने जो राजकुमारी थी उसने क्या किया, गुस्से में आकर और उसको पत्थर पर पटक दिया। अच्छा। तो जिस पत्थर पर पटका था वह उस तांत्रिक की तरफ मोहित हो गया, आकर्षित होकर उससे उसको दबा दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि कुछ ही समय में जो यह किला है, दुर्ग है, वह खंडित हो जाएगा और जो भी इसमें निवास करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद में यह खंडित हो गया और जो यहाँ पर निवास करते थे वो इस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए। चलिए अंदर चलते हैं। ये इस पर लिंटल की छत है, डबल सपोर्ट के लिए यहाँ पर है, और फिर इसके ऊपर ताकि ज़्यादा प्रेशर इस पर ना आए। और ये आर्च, वैदिक आर्च, ये सर्कुलर आर्च डोम छत रही होगी यहाँ पर। यहाँ पर भी उसी तरह की छत थी, अवशेषों को देख कर ऐसा प्रतीत होता है। अरे भाई लेने दे, ले आ जा। मूर्ख इंसान आपको हर जगह हर समय कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा नीचे कक्ष में मछ कुछ बना हुआ है, देखते हैं क्या है। नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर भी एक छोटा सा कक्ष है।
मध्य में यहाँ पर एक मंदिर के अवशेष, ये शायद इसी मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। छत देखिए मंदिर की, तीन स्लेब और लिंटेल, यहाँ से क्रैक भी है और उसके ऊपर ये चूने का प्लास्टर। और ये शायद वही है जो संगमरमर का पाउडर होता है, उसका जो मिक्सर चूने के साथ करके और फिर अप्लाई किया जाता है। जिससे देखने पर पता ही नहीं चलेगा कि ये चूना है या फिर संगमरमर है। जैसे कि इस तरफ अगर हम इसको देखें तो ऐसा लगेगा कि ये संगमरमर है अगर ये टूटा हुआ ना हो इस तरफ। यहाँ पर ये चूने के प्लास्टर के नीचे कुछ इस पे चित्रकारी और डिजाइन भी बनाए गए हैं। ये देखिए लेकिन ये मंदिर की दीवार पर ये छिद्र किस लिए है इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि इसका क्या कारण रहा होगा। वैसे तो भूत आई इसमें कुछ भी नहीं लगा दुर्ग में कुंड। लेकिन जितनी संख्या यहाँ पर बैट्स की है, चमगादड़ हैं, उनको देखते हुए जरूर ये भूता लग रहा है। भानगढ़ दुर्ग ऐसा कहते हैं कि इसमें 7 तल है और कुछ तल भूमिगत भी हैं और कुछ तल इसमें खंडित हो चुके हैं। और इस समय इसमें 4 तल है और 3 तल या तो भूमिगत हैं या फिर खंडित हो चुके हैं।